मुनि विश्वामित्र की नगरी बक्सर, और उस बक्सर में खड़े हैं जो बिहार के अंतर्गत आता है। यहाँ सुशासन बाबू का राज्य है, सुशासन बाबू का राज्य है। सुशासन बाबू के राज्य में जब देखे हम तो कहीं कहीं ऐसा दिखा जैसे लग रहा था कि भैया बहुत सफाई है, और कहीं कहीं ऐसा दिखा जैसे लग रहा था कि कुछ होइबे नहीं करेगा। पहली बात, आज आपको पता है कि 15 अगस्त है, जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 में। और जब कभी भी 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है तो हमारे प्रधानमंत्री महोदय का बयान होता है कि तुम जहाँ भी झंडा फहराओ वहाँ की साफ सफाई ज़बरदस्त होनी चाहिए। चलो भैया झंडा फहरा दिया जाए चाहे नहीं फहरा दिया जाए, हम हैं इस बक्सर रेलवे स्टेशन पर। अब बक्सर रेलवे स्टेशन की स्थिति इस प्रकार, तो देखिए बड़े शान से हमारे देश का तिरंगा लहर रहा है। आपको पता है कि आज है 15 अगस्त, और 15 अगस्त के दिन हर जगह चारों तरफ बड़े अच्छी तरह से सफाई होती है, लेकिन बक्सर रेलवे स्टेशन के जो रेलवे कर्मचारियों के जितने भी लोग लगे हुए हैं सफाई कर्मचारी, अभी तक उनको टाइम नहीं हुआ है कम से कम आज के दिन यहाँ की सफाई कर सके। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं ये दिखाता हूँ कि अगर जो भी कोई जाना चाहता है बक्सर रेलवे स्टेशन से हमको कहीं और जाना है तो सबसे पहले कोरोना का बीमारी लेकर जाएगा। चलिए कैसे आपको दिखा दें। अब हम इससे पास नहीं जाएंगे, कहे कि 2 गज दूरी मास्क है ज़रूरी, हम उससे दूर हैं इसलिए मास्क नहीं पहने। इसमें उस बीमारियों की इंजेक्शन है जिस बीमारी से लोग दुनिया आज परेशान है। हम आपको बता दें कि इसको ढक कर के रखना चाहिए। बाबूजी लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारा देश बहुत जल्दी कोरोना वायरस से छुटकारा पा जाएगा। कैसे छुटकारा पाएगा? ऐसे छुटकारा पाएगा, आप देख लीजिए, अगर हम बटोरेंगे ना, अगर कोनो चीज़ उठाएंगे तो लोग कहेगा बस अपना वीडियो बनाने के लिए एक तो प्लास्टिक उठा दिया है, लेकिन यहाँ के कर्मचारी अब झाड़ू में लग रहा है। देखिए इस समय 9 बज रहे होंगे, लगभग 9 बजे के समय में जो है कि झाड़ू लग रहा है, और जिस जगह तिरंगा फहर रहा है उसी के चारों तरफ कितना कूड़ा फैला हुआ है। ये जिम्मेदारी किसकी है? सुशासन बाबू की या रेलवे कर्मचारियों का? मैं किसी को बुला भला नहीं कहूँगा, क्योंकि हमें पता है कि जो जिम्मेदारी जिनके पास होती है वो गैर जिम्मेदार लोग होते हैं। और जबकि हमारा वीडियो जब बन रहा है तो सारे लोग भी हमें देख रहे हैं, लग रहा है कुछ न कुछ पत्रकार करेगा, और इन लोगों से हम बात भी करते हैं। अच्छा अच्छा घरों यहीं पर आपका? बोलिए सर। क्या करते हैं आप? टेम्पू चलाते हैं। टेम्पू चलाते हैं, एक गाना बड़ा तेज से वायरल हुआ था पता है? बोलिए सर। बक्सर जिला भोजपुर आरा के आगे पटना, किराया लेबा कितना बतावा ड्राइवर बाबू। अब पटने में सुशासन बाबू का सरकार चलती है, और वहीं पे जाइएगा तो ऑटो कभी अगर मौका मिल जाए जाना पड़ेगा रिजर्व लेकर के। जाते हैं कि नहीं जाते? नहीं पटना नहीं जाते। पहले पटना नहीं जाते हैं, स्टेशनवा से जाते हैं कि नहीं ट्रेनवा से पटना? कभी कदाल कभी कभी जाते हैं, लेकिन जानते हैं चाचा आज का जो 15 अगस्त बा जो स्वतंत्रता दिवस मनावल जात बा, ये स्थिति में मनावल जात बा कि सफाई ना करल जाए लेकिन झंडा बड़ा शान से फहरावल जाए, है ना? तो ये बताई कि केकर गलती हो सकेला में, जनता का या सफाई करे वाला? सफाई कर्मी के जनतो के बाद कुछ एक में फेंक देते रहो। हाँ जनता के सफाई, जनता के कमी बा कि हाई सब इतना कूड़वा लौकत बा ना, इस जनता का कमी बा। आ लेकिन हाई कमी के करबा एक कर्मचारी का कमी बा, हटाई के जे यहाँ नियुक्त कैल बा ओकरा खातिर। आज 15 अगस्त बा, उसे पहले एक हटा देवे के चाहिए सजिए के, है ना? तो ऑटो चलाओ तनी, आप बताएं कि कैसे होके के चाहिए सब। सबके सशक्तता दिवस पर अधिकार बा कि हम झंडा फहराई जी। और बताइए चाचा, आप बताइए आपका नाम क्या बताए? हमारा नाम पर मोहम्मद फैयाज। तो आप भी ड्राइवर हैं का? बहुत बढ़िया, ड्राइवर से मुलाकात हो गई है, जैसा हमने बता ही दिया है, गाना सुनाने की जरूरत नहीं है। ड्राइवर चाचा ये बताइए, आपको रिजर्व कभी जाना होगा पटना उतना जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। जाते हैं ना, और जाते हैं तो वहाँ पर देखते हो कितना चमक धमकत होगा, लेकिन जहाँ से जाते हैं वहाँ की स्थिति कैसी है?
यहाँ की स्थिति मत पूछिए, जब कोई अधिकारी आता है तब साफ सफाई होता है, उसके बाद उसी तरह से खसड़ा रहता है। हाँ, जब कोई अधिकारी आएगा, अभी नीतीश कुमार आने वाले हैं अगर, तो साफ सफाई हो जाएगा, उसके बाद फिर उसी तरह से हो जाएगा। नीतीश कुमार का जो विधायक है ना, वो भी आएंगे तो साफ सफाई हो जाए। सब का अगला जितने आएंगे, कोई अधिकारी आता है तो साफ सफाई पहले हो जाता है, उसके बाद फिर उसी तरह से हो जाता है। हाँ, यहाँ पर कोई सुधार न कोई चीज नहीं है। नहीं ना। अच्छा, 15 अगस्त के दिन झंडा फहराया जाता है, लोग मिठाई बांटते हैं, और किस खुशी में? हमारा देश आजाद हो गया है, ठीक ना। अच्छा। इसीलिए सबसे पहले का मान कर चलिए कि जहाँ झंडा फहराया जा रहा है, वहाँ पर देखिए, आज बहुत जगह देखिए, यूपी में जाकर तो झंडा फहर गया, ठीक ना। यहाँ पर बिहार में कोई अभी सुधरने वाला कोई चीज नहीं है कि कोई सुधरेगा। बिहार की कमी यह है कि लोग कहते हैं कि हमारा प्रदेश स्वच्छ रहेगा, सुंदर रहेगा, लेकिन सुंदरता ऐसी कि सबसे पहले हम देश के राष्ट्रीय ध्वज को हम अपमान करेंगे। अपमान ऐसे कि ऊपर तो झंडा फहरेगा, नीचे गंदगी फैलेगी, जैसा कि मैं आप लोगों को दोस्तों उधर दिखाया है। अच्छा जी, अभी क्या नाम है आपका? मेरा पवन कुमार नाम है। पवन कुमार, एक पवन सिंह भी है, पवन सिंह भोजपुरी स्टार है ना। अच्छा, पवन सिंह तो यही अगल बगल के है ना कहीं? हाँ, एक बात लगता है कि आ रहा है जैसे बता रहे दोस्तों, आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप भी ड्राइवर हैं क्या? नहीं। क्या करते हैं आप? हमारा बिजनेस है। कौन सा बिजनेस करते हैं? दुकान है। कौन सा दुकान करते हैं? पान की गुमटी है। पान की गुमटी, खैके पान बनारस वाला। और बनारस केशव पान भंडार जब भी जाइएगा ना, तो जरूर खाइएगा पान वहाँ का, और चाचा जी के पास आइएगा तब भी खाइएगा। अच्छा, ये बताइए कि पान खा जब दुकानियाँ बेचते हैं पनवा, तो लोग थूकता कहाँ है? डस्टबिन रखे हैं कि ऐसे ही थूक देता है? डस्टबिन रखे हैं। हमको तो नहीं लगता कि सभी लोग डस्टबिन। मर्जी की बात है अपना, हम अपना पालन करते हैं। आप पालन करते हैं, पालन करवाइए भी। अगर नहीं पालन करवाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। ऐसे ही अब हम आदमी को समझा ही नहीं सकते हैं, उसको तो हम ऐसे करके बता नहीं सकते हैं, समझाना हमारा फर्ज है। जब आपके पास रहे ना, तो कहिए कि पिच पिच मत थूको, कहीं कि हमारी दुकानियां बर्बाद हो जाएगी, और उससे ज्यादा जानते हैं क्या गंदगी फैलेगी? कोरोना वायरस भी हो सकता है ना। गंदगी तो से हो सकता है, गंदगी से हो सकता है। पीला गमछा और राम बिला, अरे ओम प्रकाश राजभर, हम नहीं जानते हैं किस पार्टी से है, लेकिन ये बताइए कि अभी ड्राइवर हैं दोस्तों? आज ड्राइवर है, लोगों से बात कर रही है। आप अपने गाड़ी की सफाई करते होंगे बड़ी मन से, सुबह शाम उसकी अगरबत्ती जलाते होंगे, कहा है कि वो प्राइवेट गाड़ी है। अब प्राइवेट गाड़ी इसलिए सफाई होती है, लेकिन सरकारी गाड़ी जो होगी उसकी सफाई नहीं होगी। काहे लिए नहीं होगी? क्योंकि इसलिए हो नहीं होगी कि सरकार जिम्मेदार है, कि पहले ही से गैर जिम्मेदार सरकार है ना। सही बात है। तो दोस्तों, अभी हम दिखा रहे थे बक्सर रेलवे स्टेशन की स्थिति, कि अब धीरे धीरे लोग लगातार सफाई कर रहे हैं कि भैया हमारा झंडा फहरेगा 1 बजे के बाद 12 बजे के बाद। और ये स्थिति ये देख लीजिए, कम से कम मैं यहाँ के जितने भी मुखिया हैं, डीएम साहब, एसडीएम साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं, तो सत्यानंद स्वामी से कहिएगा कि तुम वीडियो बना के गलत किए हो, तो मैं मानूंगा कि हाँ गलत किया हूँ, क्योंकि जो दिखा है वही मैं किया हूँ। दोस्तों, कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।